है और रेंज आ गई है 489 की। और अब चलते हैं, पहले लगाते हैं इसका इको मोड, पर अब लगाते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे। लग गई स्पोर्ट्स मोड पे और ये देखो, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज निकल चुके हैं पहलवान के साथ। भाई पहलवान ने भी काफी मेहनत उठा रखी है भाई। राकेश बिलासपुरिया के नाम से भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को भी, फिजिकल फिट रखेगा आप सभी को। अच्छा, हमको सिखा रिया है? नहीं भाई, रखोगे ना। तो भाई साथ में जो पहलवान है, तो भाई स्पोर्ट्समैन है हमारे साथ में। तो भाई आज पहलवान बोल रहा है तेरी गाड़ी में जो स्पोर्ट्स मोड है वो कितना क्या कुछ वर्क करता है, भाई इसकी ट्राई ली जाए। तो भाई गाड़ी लेके निकल चुके हैं और भाई पहले डलेगा इसमें तेल, क्योंकि तेल की बत्ती जल चुकी है। अभी अभी रेंज दिखा रहा है 68 किलोमीटर की और भाई टाइम हो चुका है 5:35। तो भाई इसको लगभग 20-30 किलोमीटर अब लेके जाएंगे, ट्राई करेंगे, चेक करेंगे भाई क्या कुछ परफॉर्मेंस है इसकी स्पोर्ट्स मोड में। और अलग से ही फील होता है जब स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं ना। अब आपको दिखाएंगे चला के, इको मोड भी चला के दिखाएंगे, नॉर्मल भी, स्पोर्ट्स भी। हालांकि मैंने पहले बता दिया था आपको इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड के बारे में, लेकिन जब वर्क कैसे करता है, कैसे क्या कुछ गाड़ी पिकअप देती है, कितनी आरपीएम लेती है, वो आपको सभी कुछ इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर कर देना, और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भाई अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताना कि किस टॉपिक पे हम और वीडियो बनाए आपके लिए। तो भाई अब चलते हैं, पहले पंप पे जाते हैं, इसमें डलाएंगे पहले तेल, तेल डला के निकल जाएंगे फिर स्पोर्ट्स मोड में स्पोर्ट्स मैन के साथ। आज चले भाई फिर? हाँ बिल्कुल चलते हैं भाई। ये जो स्पोर्ट्स मोड है ना, ये मारे जैसे किसी एथलीटिक या स्पोर्ट्स वाला के नाम पे रखा गया है। अच्छा, क्योंकि मारी भी डाइट ज्यादा लेते हैं ना, तो हम भी भागते हैं स्पीड से, और ये भी इसकी माइलेज कम हो जाती है, तेल ज्यादा खाती है, तो ये भी स्पीड से भागती है भाई। तो चलो तो फिर पंप पे लेके चलते। ये इसका ड्राइव वाला जो बटन है इससे लगता है स्पोर्ट्स मोड। और भाई अब आपको दिखाते हैं, पहले इसमें तेल डला लेते हैं फिर चलेंगे। तो भाई तेल डला लिया है और रेंज आ गई है 489 की। और अब चलते हैं, पहले लगाते हैं इसका इको मोड, फिर आपको वो चेक कराएंगे, उसके बाद में नॉर्मल मोड पे हम डेली चलाती हैं, फिर लगाएंगे इसका स्पोर्ट्स मोड। तो भाई अब चढ़ाते हैं गाड़ी को हाईवे पे, फिर लगाएंगे इसके स्पोर्ट्स मोड को। तो भाई पहले लगाते हैं इसमें बटन को, प्रेस करते हैं यहाँ से। भाई एक बार प्रेस करेंगे तो मोड चेंज हो जाएगा। अब देखो हमने प्रेस कर दिया इसको और यहाँ पे आ गया, देखो इको मोड लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो आप साथ में बिल्कुल ये इको आ रहा है। अब इसको दोबारा प्रेस करेंगे, ये हो गया नॉर्मल मोड। थोड़ी गाड़ी की साउंड भी हल्की सी चेंज होती है, प्रेस थोड़ी सी दाब पड़ती है गाड़ी पे तो थोड़ी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। अब ये नॉर्मल मोड में चल रही है। अब इसको फिर प्रेस करेंगे तो ये आ गया स्पोर्ट्स मोड। तो उसको अब कंप्लीट चला के अच्छे तरीके से दिखाएंगे आपको। तो हमने कर दिया प्रेस, ये आ गया इको मोड। अब गाड़ी एकदम से ऐसा हो रखा है जैसे गाड़ी को जैसे कोई पीछे खींच रहा हो। अब इसकी देते हैं रेस, ये देखो आरपीएम फुल पंजा दबा रखा है एकदम से, बिल्कुल धीरे धीरे आरपीएम चल रहा है इसका। ये कुछ ढलान आ गई भाई, इसकी फ्लाईओवर की थोड़ी ढलान आ गई, इसमें थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, लेकिन ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इको मोड पे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई गाड़ी को पीछे खींच रहा हो, लेकिन इंजन थोड़ा बड़ा है, 1600 cc का इंजन है तो फर्क थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है इको मोड पे। तो इको मोड पे आपको माइलेज मिलेगी लेकिन गाड़ी का पिकअप नहीं मिलेगा। तो ये है इसका इको मोड का। और अब करते हैं इसको यहाँ से नॉर्मल मोड पे सेलेक्ट, इसको फिर प्रेस करते हैं। अब ये आ गया नॉर्मल मोड, ये देखो चेंज हो गया, नॉर्मल मोड पे चल रही है गाड़ी। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि डेली बेसिस हम नॉर्मल गाड़ी चलाते रहते हैं ना, जैसे कि मैं अब इसको डेली चलाता हूँ तो नॉर्मल मोड पे ही रहती है, तो वैसा ही फील हो रहा है। लेकिन पिकअप इसमें है, वैसे भी इसको जैसे रेस देते हैं थोड़ा सा पिकअप तो लेती है। पहलवान कैसा पिकअप लिया अगर आपने देखा हो नॉर्मल मोड पे हम रेस देते हैं तो? भाई गाड़ी बूस्ट तो लेती है, जैसे कि हमने पहले इको मोड पे प्रेस किया था फुल पंजा दबा दिया था, तो नॉर्मली कैसी चल रही थी तब वो? भाई जैसे हमने पहले पंजा दबाया उसमें तो नॉर्मली चल रही थी गाड़ी, जैसे कि अपने नॉर्मल गाड़ी चलती है, जैसे पहलवान के पास i20 है पेट्रोल की, सेम तेरी गाड़ी की तरह चल रही थी। ये सबूत भी है भाई, कदे को वीडियो में झूठ बोल रहा है भाई। भाई जो पहलवान की i20 है ना पेट्रोल की है, इको मोड पे वैसे चलती है, और भाई
नॉर्मल मोड पे हमने लगा दिया इसको। अब नॉर्मल मोड पे आपको, अब नॉर्मल मोड पे दिखाते हैं इसके आरपीएम वगैरह प्रेस करते हैं जैसे उसमें रेस को प्रेस किया था। ये देखो आप, देखो आरपीएम, आरपीएम से ही पता लग जाएगा सुई के। आप देखो ये कितनी स्पीड से ऊपर उठी थी। और इको मोड पे ना, इको मोड पे जब हमने रेस दी तो आरपीएम धीरे धीरे जा रहा था, 2 तक भी नहीं पहुंच रहा था, धीरे धीरे 2 पे गया था। और नॉर्मल मोड पे तो जैसे रेस को प्रेस करते हैं एकदम से स्पीड पकड़ जाती है गाड़ी। तो अब इसका लास्ट एंड फाइनल जो कि है स्पोर्ट्स मोड। अब भाई पहलवान ये आप वाला मोड है स्पोर्ट्स जो कि आप करते रहते हो। नहीं ये लगाएंगे अब, अभी लगाया नहीं है। नहीं नहीं अभी तो आप स्पोर्ट्स मोड में तो लग रहा था ये इको मोड ऐसा लग रहा है जैसे एस्को ट्रैक्टर से लिया गया है भाई। अरे भाई भाई पहलवान को ज्यादा गाड़ियों की नॉलेज है नहीं भाई, अपनी हेल्थ वेल्थ की ज्यादा नॉलेज रखता है। और इसको मैंने अभी बताया था नॉर्मल मोड पे गाड़ी चल रही है, लेकिन ये तब भी बोल रहा है इको मोड पे चल रही है। इसको थोड़ी गाड़ियों की नॉलेज कम है, तो नॉलेज हम आपको देंगे हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल आपको पता है लाइफ ऑन रोड 999 0। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारी गाड़ियों की नॉलेज और घूमने की नॉलेज हम आपको देते रहेंगे। तो अब लगाते हैं इसका स्पोर्ट्स मोड। लगा दे भाई, थोड़ा सा ट्रैफिक है, वैसे इतनी बड़ी फरारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लो आप लगा दिया स्पोर्ट्स मोड, आ गया स्पोर्ट्स। अब आप आरपीएम की सुई को देखो, ये देखो 2 से नीचे है। जैसे हम प्रेस करेंगे ना रेस को, तो आरपीएम की सुई को देखना कितना फर्क मिलेगा आपको। तो प्रेस करते हैं 1 2 3, ये लो प्रेस कर दिया। ये देखो आप कितनी बूस्ट मिल रही है इसको स्पोर्ट्स मोड में, और इतनी स्पीड में, मतलब कि उसमें 100 103 तक गई थी और स्पोर्ट्स मोड में सीधा 110। काफी कुछ फर्क हो रहा है इसमें। स्पोर्ट्स मोड में सीधा 110 जाती है। और भाई थोड़ा सा ट्रैफिक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा खुले में ले जाके ना अच्छी तरह इसको चेक करके फिर दिखाएंगे। तो भाई आप लिख के चलते हैं आपको आगे। तो भाई अब आपको दिखाते हैं इसका दूसरा तरीका, जो कि अब आप देखोगे इस वीडियो में। और दूसरा तरीका भाई ये है इसका चेक करने का। हम एक स्पीड पे सेट कर लेते हैं इसको, एक्सीलेटर को एक स्पीड रख लेते हैं, जैसे कि 60-62 के आसपास की स्पीड रख ली हमने। और अब हम बटन प्रेस करेंगे, तो अब इसको करते हैं प्रेस। तो भाई ये प्रेस कर दिया हमने बटन, अब इको पे चल रही है 60 की स्पीड पे, 60-62-63 नॉर्मल, इस पे यही रोक लेते हैं। अब दबाएंगे बटन तो अपने आप परफॉर्मेंस दिखाएगी गाड़ी आपको। अब देखो 2-3 की स्पीड बढ़ गई, और मैं बिल्कुल पैर वहीं पे सेट कर रखा है, बिल्कुल भी नहीं हिला रखा, 70 पे जा रही है। अब 70 की स्पीड में ही हम लगाते हैं स्पोर्ट्स मोड। ये देखो अलग से फील होता है इसका, बैक मारती है थोड़ा सा। तो भाई आपको वीडियो में इतना फर्क नहीं लगेगा जितना आप खुद चलाओगे ना गाड़ी को, जब एक्सपीरियंस खुद करोगे तब पता लगेगा कि इको नॉर्मल स्पोर्ट्स में चलाने में क्या कुछ, कितना कुछ फर्क है। और वाकई में आपको फर्क मिलेगा, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं। अगर आप कभी भी गाड़ी को नॉर्मल मोड पे चलाओगे, इको पे चलाओगे, स्पोर्ट्स पे चलाओगे, तो इसका वाकई में ये फीचर काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, बेस्ट फीचर है। आपको हमारे कैमरे की क्वालिटी का फर्क कुछ अब दिख ही रहा होगा, क्योंकि पहले अपने पास आईफोन एक्स था, SX मैक्स, उससे वीडियो क्वालिटी आपने, इससे पिछला व्लॉग भी आपने देखा होगा। तो भाई आप क्वालिटी कैमरे की हमने चेंज कर दिए, फोन चेंज कर दिया, तो वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी आ रही है आजकल। तो इतनी अच्छी क्वालिटी देखते हुए लाइक तो बनता ही है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी एक और ऐसी अच्छी वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक टाटा बाय बाय।